अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवेयर व्लॉग्स। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग भी नाश्ते से ही हो रही है। ये फ्रेंच टोस्ट जिस तरह बनाते हैं उसी तरह मैंने ये अंडे को फेंटा, इसमें नमक मिर्च और रेड मिर्चें नहीं डाली मैंने, इसमें काली मिर्चें और वाइट पेपर यूज़ किया, और इसमें मैंने धनिया डाल दिया था और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया बिल्कुल मामूली सा, और इसको इतना फेंटा, और ब्रेड के इस तरह से मैंने पीस कर लिए थे, वो बड़ी बड़ी ब्रेड का मूड नहीं हो रहा था तो मैंने इसके पीसेस कर लिए, और इस तरह इसको अंडे में डिप करके इसको इस तरह से फ्राई कर लिया। मुझे नाश्ते में चेंजिंग बहुत पसंद है, रोज़ वही नाश्ता करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वही रोज़ चीज़ एक ही चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कुछ डिफरेंट हो नाश्ते में, जो हेल्दी भी हो, जिससे सेहत भी ख़राब ना हो और सब हंसी खुशी खा भी लें। ये साथ साथ चाय भी तैयार हो रही थी मेरी। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का नाश्ता बना, सब ने पसंद किया और शौक से खाया। नाश्ते की जान चाय, और एक मैंने ये बड़ा स्लाइस भी बना ही लिया था। आप भी बताइएगा किस किस के घर में ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। अच्छा, मुझे ज़्यादा नमकीन पसंद है, मुझे मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये नमकीन बनाए और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। नाश्ते से फ्री होके मैंने मशीन लगाई, कुछ कपड़े वॉश करने थे, कुछ बच्चों की जर्सियाँ वगैरह इकट्ठी हो रही थी वो वॉश की, टाइम लगाया, मशीन चलाई। लाइट का भी बहुत इशू रहता है, जल्दी जल्दी काम समेटने होते हैं कि अब लाइट ना चली जाए और अब लाइट ना चली जाए, लाइट चली जाती है तो फिर काम बीच में रुके रह जाते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं मशीन लगा के वाइंड अप करती हूँ। मौसम भी अच्छा था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। ये इसी दोपहर का खाना मैंने बना लिया था, मज़े का अचार सब्जियों का। सब्जियों के अचार की मैंने आपसे एक दफ़ा रेसिपी भी शेयर की थी, ये वही अचार है। इसमें मैं सर्दियों में सब्जियां ऐड कर लेती हूँ, मज़ीद ऊपर से डाल देती हूँ बॉईल करके। प्याज इसमें डाला हुआ है, गाजर है, गोभी है, शलजम है। ये मैंने मटर पुलाव बनाया है, और इसमें जो थोड़ा बहुत चिकन बचा हुआ होता है जैसे, वो मैंने बोनलेस इसमें डाल दिया था, तो मज़ेदार राइस तैयार हो गए, बहुत ही यम्मी राइस थे। दोपहर को जब भूख का टाइम हो तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है राइस का। मुझे ज़्यादातर रोटी पसंद नहीं है, मुझे राइस पसंद है। साथ इसके मैंने शामी फ्राई किए थे, और ये जी हेल्दी सैलेड, सलाद पत्ता इसमें मैंने काटा हुआ है, और इसमें खीरा काटा हुआ है। इनके ऊपर फिर मैं दालचीनी का पाउडर छिड़क लेती हूँ, और काली मिर्च, और बिल्कुल लाइट सा नमक, ज़ीरा पाउडर भी। ये जी दही का रायता है, और इसमें भी मैं इसी तरह ही ये स्प्रिंकल कर लेती हूँ चीज़ें, काली मिर्च, दालचीनी, बिल्कुल लाइट सा नमक, और अगर दही खट्टा हो तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ तो उसका खट्टापन बिल्कुल भी नहीं रहता दही का। और सब इसे इतने शौक से खाते हैं कि बस मेरी दही बहुत ही मज़े की बनता रायता। ये जी बच्चों की फरमाइश थी, मूंग की दाल जो बाज़ार में अक्सर आपने देखी होगी मिलती है, मूंग की दाल, वो मैंने फ्राई की। सारी रात मैंने इसे भिगो के रखा, जो बग़ैर छिलके वाली होती है येलो कलर की मूंग की दाल, इसको मैंने सारी रात भिगो के रखा, और अगले दिन मैंने इसको इस तरह से पानी निचोड़ के अच्छी तरह फिर इसको मैंने इस तरह फ्राई कर लिया ऑयल में। इसको नहायत हल्के हाथों से चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगी।
इसके तैयार होने की निशानी है कि जब ये बिल्कुल रेडी होने के टाइम पे होती है ना, तो ये बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है, यानी भारीपन इसका ख़त्म हो जाता है ऑयल में। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जैसे इसमें लाइट सा कलर आए इसको उतार लेना। ये देखें जी, मज़े की मूंग की दाल भी मैंने तैयार की, बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। बाहर से लेके तो बहुत दफ़ा खाई हुई थी, तो इस दफ़ा मैंने सोचा घर में ट्राई करूं, बच्चों को घर का बना के दूं साफ़ सुथरा। तो जी ये मूंग की दाल मैंने इस तरह से बनाई। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूंगी। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये एक तरह का टीका पाउडर ही है, इसका नाम है जी बेंजाइल पेंसिलिन सोडियम, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये वैसलीन यूज़ होगी इसमें। और ये देखें, जैसे ये इस तरह पैरों के नीचे ये सख्त सख्त से छिलके से बन जाते हैं स्किन के, तो ये इसमें बना के लगाने से आपके पांव बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे। लेकिन आपने एक हफ़्ता तो मुकम्मल इसको यूज़ करना ही करना है अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको बनाना किस तरह है। बेंजाइल पेंसिलिन सोडियम कहकर आप इसको मार्केट से परचेज करेंगी, किसी भी ये स्टोर से, ड्रग स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा, और वैसलीन से तो सब वाकिफ़ हैं, ये किसी भी आप कंपनी की वैसलीन ले लें। इसमें इस पाउडर को आपने शामिल कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और ये बन गई आपकी बहुत ही मज़े की वैसलीन, सर्दियों का बहुत ही प्यारा, आपके ऐसे जो हाथ पांव सख्त हो जाते हैं उनका इलाज। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको आपने इसी तरह कह के लेना है इस इंजेक्शन को, बेंजाइल पेंसिलिन सोडियम। ये बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है और नहायत ही ये सस्ता होता है, कोई ये महंगा नहीं होता। आराम से आप इसको घर पे बनाएं और यूज़ करें, आप मुझे दुआ देंगे, ये इतनी मज़े की चीज़ बनती है। और सर्दियों में तो इसका मुसलसल इस्तेमाल रखना तो बहुत अच्छा है, जैसे पैरों में ये फंगस वगैरह के इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सॉक्स पहनने से, हर वक्त पांव बंद होते हैं सर्दियों में, तो इसका इस्तेमाल आप लाजमी रखेंगी, बना के रखें इसको घर में, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, किसी भी एज ग्रुप में आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉक्स पहनते हैं सर्दियों में, वज़ू करते हैं, पाँव गीले रह जाते हैं, तब भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हल्का सा इसको लगाएं और जी सारा दिन भूल जाएं फिर आप अपने पैरों में कि भाई दवाई लगी हुई है। इस तरह से यकीन माने आपके पाँव, इस तरह से आपके पाँव बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और लगेंगे। ये देखें, जैसे ये हैं बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट हुए हुए हैं, तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको इसी तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी आज का व्लॉग पसंद आएगा, कमेंट्स में बताइएगा मेरी टिप कैसी लगी। और सर्दियाँ जाने वाली हैं, जल्दी जल्दी मेरा ये फॉर्मूला बनाएं और पैरों को नरम मुलायम बनाएं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।